सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। वाह भाई क्या बात है, कभी ने किसी ने ठीक है ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैं दरबार को छोड़ता हूँ, फिर मैं मिल करके फिर दरबार में। अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर चा बदला राम। आप लोग देख रहे होंगे कि संत महात्मा कहां से आया, लेकिन हम अरे ऊपर से संत हैं लेकिन वही भीतर से वही माही सिंह, और इसलिए हम आप लोग देख लीजिए है कि नहीं। हाँ, नकली संत इसी को बोलता है। तो आइए हम इसलिए संत का रूप धारण किए कि जैसे रुद्र सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया, और मुझे जब भी मौका मिल जाए मैं ब्याज जोड़ करके बदला नहीं सोल कर लू तो मेरा नाम मान। अब हम यहां से उस दरबार की तरफ चलता हूं जहां की हमारे बड़े भागी नाल्हा सिंह रहते, लेकिन अभी से हम अपना नाम को चेंज करता हूं क्योंकि हम अपने वेशभूषा को चेंज कर लिया हूं, इसलिए अभी से मैं माहिल सिंह को भूल जाता हूं। कुछ देरों के लिए हम संत महात्मा का क्योंकि रूप धारण किए हुए हैं, तो आइए आप लोग देखते रहिए क्या सब होता है। चले साधु हो दरबार के चाल जहां सिंहासन हो बिरयाल हाथ, चले साधु हो दरबार के चाल सिंहासन है चले साधु परिया चाले बराबर चाल के न जाने हो अब साधु को परिया चाल बराबर चाल के न जाने हो अब साधु को भैया में भैया मिले भैया राम मंदिर मंदिर को जाना हो जय श्री राम जय श्री राम। लेकिन यहां तो दरबार में किसी को नहीं देखता, ठीक है आवाज लगाते हैं। अरे भाई कोई दरबार में है तो बाहर निकल करके देखो, संत महात्मा तुम्हारे दरवाजे पर आए। हेलो अरे चलो अच्छा अल्हा बबुआ दरबार में श्री राम
बेचारा ना चूका चूका जी हाँ बाबू दुनिया बचा हमारा सा रिया बाबू वही पत्ते बाबा महाराज। हाँ सबसे पहले आप आसन ग्रहण कीजिए। जय श्री राम। बहुत अच्छा विचार है। जय श्री हाँ हेलो 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 एगो ई कोचला खा के मातल घुरै छै नै देखै छौ बाबा महाराज। हाँ आप सबसे पहले एक बात बताइए, आप मेरे दरबार में आए हैं यही समझ लीजिए कि अमरपति आला सिंह धन्य हो गए हैं। हम अच्छा? हम ऐसा ही चाहते हैं कि मेरे दरबार पर कोई संत महात्मा आवे, अगर दो मुट्ठी उसको भिक्षा मिल जाए तो बड़ी खुशी की बात है। बोलिए बाबा महाराज आपको क्या चाहिए, धन दौलत सोना अमार जो भी चाहिए आप एक बार मुखारविंद से बोल कर देखिए, मैं आपको सारा मनोकामना पूरा करूं। जय श्री राम। देखो बाबू ऐसे हम घूमते घूमते ऐसे भिक्षा मांगते मांगते हम जब तुम्हारे राज के अगल बगल आए तो मुझे पता चला कि इस राज में बहुत बड़ा प्रतापी राजा रहता है, बहुत बड़ा दानी राजा रहता है। तो मुझे जब मालूम हुआ तो हम सोचे कि जाकर के एक बार उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं और थोड़ा मोरा दान उन लेकर के फिर यहाँ से हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। बाबा महाराज हाँ आप बिल्कुल सही सुने। मैं आपको सुनने से पहले आपको बोलने से पहले मैंने आपको बोला कि आपको जो भी इच्छा है सिर्फ एक बार मुंह खोल करके बोलिए कि महाराज मुझे ये दान चाहिए,
मैं आपको हवाले कर देगी। देखो महाराज, अरे हम संत महात्मा को धन दौलत से क्या लेना देना, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक मुट्ठी भोजन चाहिए ताकि हम भोजन कर लेंगे और फिर यहाँ से दूसरे दरबार चले जाएंगे। अरे बाबा महाराज, कहने का मतलब आपका है कि हम संत लोग को कोई कोटा हमार सोना चांदी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर देने के लिए चाहते हो तो सिर्फ महात्मा बाबा को एक मुट्ठी दान करो, मैं यहाँ से दूसरे देश चला जाऊं। जय श्री राम। बाबा महाराज, आप अच्छी तरह जानते हैं कि राजा महाराजा दरबार में सिर्फ न्याय करते हैं, फैसला करते हैं, उचित पंचायत करते हैं। हमारे पास अगर कोई आते हैं किसी तरह की विवाद लेकर के, तो मैं उसे उचित फैसला करके रिटायर कर देते हैं। महाराज, अगर आपको दान दहेज कुछ भी चाहिए, दक्षिणा चाहिए, तो मेरे हवेली खाली है, आप मेरे हवेली जा करके मेरे रानी से आप दक्षिणा लेकर के अपना कुटी को जा। क्या मुझे दरबार को छोड़ करके हवेली जाना है? जी महाराज, आपको शोभा देता है कि हम आपको दान देंगे, हम आपको भिक्षा देंगे। अरे रानी महारानी किस लिए है, नौरी नपर किस लिए है, माल में नौरी है, माल में रानी है, पटरानी है, आपको जिससे दान लेना है आप जाकर के दरबार में ले सकते हैं। विजय जी, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं महल ही जाकर के, आंगन में ही जाकर के हम भिक्षा मांग लें। ठीक है महाराज, साधु महात्मा के काम है, दरबार की नहीं है जरूरत, उसे महल का जरूरत है, आंगन की जरूरत है, आप जाकर के हार्दिक दिल से भिक्षा ले सकते हैं। ठीक है महाराज, अगर आप चाहते तो मुझे आदेश दीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं, हम जाकर के भोजन मांग लें। अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर चा पद महावी के, अब महाराजा ये नंद के थोड़ा चर चा पद महावी के, लगनी से बैठे परमान अगला बढ़िया हमें के कुर्सी कुर्सी आ गया, अब लगता है मेरा काम बन जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अब हम वहां से चलते हैं महल की तरफ, और महल में जाकर के रानी से मैं देखता हूं कि वो क्या भोजन देती है या नहीं देती है। ठीक है, चले महात्मा यो महल के जाए, चले महात्मा है अब आंगन में, अरे भिक्षां दई, अरे दरबार में है कोई, महल में है कोई तो निकल करके देखो, तुम्हारे दरवाजे पर संत महात्मा आए। अरे भिक्षां दई, आई आउट
प्रणाम बाबा, सुहागवती बाबा, सुहागवती बाबा। कहिए गुरुदेव। देखो, अरे हम संत महात्मा, मेरा कुटी पड़ता है गोरखपुरनाथ। हम गोरखनाथ से हम अयोध्या धाम आए थे और ऐसे टहलते बुलते भिक्षा मांगते मांगते हम जब इस राज में आए तो मुझे पता चला कि इस दरबार में, इस महल में बहुत बड़ा रानी धर्मात्मा है जो कि दान देने में बहुत आगे है। इसलिए हम इस दरबार में, इस महल में आए हैं कि अगर मुझे एक मुट्ठी भोजन चाहिए, मुझे थोड़ा भिक्षा चाहिए, फिर मैं यहां से रवाना हो जाऊंगा। क्या मुझे दान मिल सकता है? अवश्य मिल सकता है बाबा। जो कुछ भी आपने सुने हैं बिल्कुल सच सुने हैं। क्या सच सुने हैं? परमात्मा कोई चीज की कमी मुझे नहीं दिया है। जय श्री। और दान करने में मैं रुकती भी नहीं हूँ, ना किसी को नाराज होकर मैं अपने दरवाजे से जाने के लिए देती हूँ। जय श्री राम। ऐसा होना चाहिए। कहिए बाबा महाराज, क्या सेवा किया जाए आपका? सबसे पहले तो मुझे थोड़ा भोजन करा दो। भोजन? क्योंकि भोजन के लिए मेरा आत्मा व्याकुल हो रहा। जरूर कराऊंगी बाबा महाराज, आपको भोजन कराऊंगी मैं। आप स्थान ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए भोजन की प्रबंध करती हूँ। ठीक है, करो। और जब भोजन करके आप संतुष्ट हो जाइएगा बाबा, तो मैं आपको दक्षिणा देकर अपने दरबार से विदाई करूंगी। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा विचार है। बाबा महाराज, आप ही कैसे संत को मुझे इंतजार थी। अच्छा, अच्छे शुभ दिन पर आए बाबा महाराज, की नवरात्रि की दिन है और मैंने व्रत में रही। अगर मैं आपको दान नहीं करती हूँ, भोजन नहीं करवाती हूँ, तो मेरे ये नवरात्रि सफल नहीं होंगे बाबा। बात सही। ठीक है, मुझे भोजन कराओ। नारिया सुनाले सरखी गे अमार अमे अजोगे दुलारिया बाबूगे रंगामा
आज तुझे रंगमाल से क्यों बुलाई हो? क्यों? कितनी वर्षों के बाद आज ने हमारी दरबार में महात्मा बाबा पहुंचे। क्या महात्मा बाबा? और जब साधु बाबा जब दरबार पहुंचे तो समझ ले मैं धन्य धन्य हो गई। आज तू अपनी भी हाथों से साधु बाबा को भोजन करा दे ताकि लिए तू भी धन्य धन्य हो जाएगी, साधु बाबा भी खुश होकर ये दरबार से चले जाएंगे। तो साधु बाबा को भोजन कराने से पहले तू उसकी दर्शन देख ले कि कितनी सकल स्वत कितनी सुंदर है कि जैसे जुतिया की चांद उगती है उसी तरह बाबा की सकल में था। कहाँ है ज्योति बाबा? एक नजर आगे उठा कर देखा दुलारिया बाबू ने मोरी छाई स्थान आप है माँ उग्रतारा मैसी ग्राम से आप है श्री सीताराम पासवान जी, आप है श्री सीताराम पासवान जी इस बाबा को दान देने के लिए 101 रुपए के नोट से आधा फरमाए हैं। मैं सीताराम बाबू को अपने पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। गुरुदेव स्थान ग्रहण कीजिए और भोजन की तैयारी कीजिए। जय श्री राम। आपके लिए मैंने भोजन लेकर आ गई हूँ और भोजन कर लीजिए गुरुदेव। आपने अभी अभी बोले हैं ना कि बहुत जोर से मुझे भूख लगा हुआ है। हाँ भोजन तो अवश्य करूँ। जय श्री राम। सीताराम शीतली रात का दही चूरा भोर के खिचड़ी। जय श्री राम जय श्री राम। अरे भोजन तो बहुत अच्छा है लेकिन इनके दिल में गंगा की बसेरा। रानी हाँ महाराज। अरे भोजन और उसके साथ दक्षिणा भी। जी 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 बहुत अति सुंदर की बात है। जय श्री राम। लेकिन बात यह है। क्या बात है बाबा? हम संत महात्मा ए मुरही कचरी ए दक्षिणा पर ए मैं समझो कि संत महात्मा भोजन कर लेगा क्योंकि मैं जानता हूं तुम बहुत बड़ा भयंकर दानी हो, इस महल की रानी हो, तुम्हारी हाथ बहुत लंबी है, इसलिए भोजन तो करूंगा लेकिन भोजन करने से पहले मेरा एक शर्त है। कहिए तो बाबा महाराज आपके लिए नेवा बना देती हूँ। अच्छा जय श्री राम। अगर आप कहिए तो आपके लिए खुआ मलाई मंगा दूंगी रानी। लेकिन भूखे नहीं जाने के लिए दूंगी बाबा। क्या भूखे नहीं जाने दूंगी? ना बाबा। तो ठीक है अगर तुम भोजन कराने के लिए चाहती हो तो तुम मेरे साथ एक बार सत करो और उसके बाद हम भोजन करेंगे। ये बात क्या बोल रहे हैं बाबा? मैं सत बोल रहा। साधु संत की ये परंपरा ही नहीं है कि किसी नारी के पास अगर दक्ष भुज भोजन मांगने के लिए जाए या भिक्षा मांगने के लिए जाए तो सत कराने की उसमें क्या बात है? कहिए बाबा जो कुछ भी भोजन आपको करना है दही चूरा मलाई मक्खन मिश्री नेवा मैं आपको कराने के लिए तैयार हूँ लेकिन सत की बात
भूल जाइए बाबा। नहीं, जब तक तुम मेरे साथ सत नहीं करोगी तब तक हम भोजन का फरमाइश नहीं करेंगे कि मुझे क्या चाहिए। अगर कराना चाहती है भोजन तो तुम सत करो, अगर नहीं कराना चाहती है तो यहां से साधु बाबा रवाना हो रहे हैं। जय बाबा महाराज। ठहरिए बाबा, इतनी जल्द मैं जाने के लिए नहीं दूंगी। क्या आपने सत की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो मेरी भी वचन सुन लीजिए। बोलो क्या बात। कि सत करने में कितने इंसान की कितनी मौत हुई है और कितनी बड़ी सजा मिला है उसको, कितनी कष्ट होगा है। हे सतनामा सुन के बाबा हो या तमा के ले घबरा। जय श्री राम। जिया घबा रही ले बाबा रानी सो महाराज। क्या मैं आपको सारी चीज देने के लिए तैयार हूँ बाबा। हाँ, जो भोजन कीजिएगा मैं हर आपको भोजन कराने के लिए मैं तैयार हूँ। दक्षिणा में जो मांगने के लिए चाहते हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ। सत की वाणी छोड़ दीजिए ना बाबा, सत करा के क्या मिलेगा आपको। रानी व्यर्थ न जाए देव ऋषि वाणी, जो संत के मुखारविंद से निकल चुका है उसे ब्रह्मा भी नहीं टाल सकता। अगर तुम भोजन कराना चाहती हो, अगर तुम दक्षिणा देना चाहती हो तो तुम मेरे साथ सत करो, या नहीं तो संत महात्मा फौरन तुम्हारे दरबार को छोड़ करके रवाना हो जाए। नहीं गुरुदेव, अगर तुम ज्यादा हट कर रही, अगर तुम मुझे जाने के लिए नहीं दे रही है और सत से इनकार जा रही है तो मैं तुम्हें ऐसी शराब दूंगा कि तुम्हारे राज मुझे सराथी तो मत कीजिए गुरुदेव। मैं आज तक किसी की कुछ बिगाड़ी नहीं हूँ बाबा, आप क्यों मुझे शराबित कर रहे हैं बाबा? अगर तुम्हें भोजन सत के पैबंद के लिए आप मुझे शराब देकर चले जाएगा मेरे राज भंग हो जाएगा। तो तुम मेरे साथ सत करो। जय श्री राम। सत की राह पर चलने वाले को मुसीबत तो हजार आते हैं लेकिन राखे वाले साई मार सके ना कोई बाल बका। क्या करिए जो जग बनी। एक साथ दो साथ बर्मा भी सुन साथ, सच से जो भी सत होंगे बाबा उसे नरक में बास होगा। कहिए बाबा क्या भोजन में कीजिएगा।
रानी हाँ गुरुदेव, भोजन तो करूंगा मैं, भोजन अवश्य करूंगा और इस राज से इस महल से भोजन करके जाऊंगा, लेकिन मेरा एक बात है, अगर तुम मुझे भोजन कराना चाहती हो तो तुम्हारे पास हाय श्रीमान पुरस्कार के दौर में आप है प्रियांत बाबू पिता मनीष पासवान, मनीष कुमार पासवान आप है प्रियांत बाबू पिता मनीष कुमार पासवान कोषाध्यक्ष, ऋतिक बाबू पिता बलराम पासवान कमेटी की तरफ से शानदार 1100 रुपए के नोट अदा फरमाए हैं। मैं श्रीमान को अपने पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद जय भारत। दान के लिए जय श्री राम। मेरे तरफ से भी साधु बात है। ऐसा ऐसा दानी को भगवान सदा सुखी बनाए रखेंगे। रानी हाँ गुरुदेव, अगर तुम भोजन कराना चाहती हो हाँ गुरुदेव क्यों तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो देवर बाबू रुदल सिंह है उसका मुझे गौर कलेजी चाहिए ताकि हम उस पर स्नान करके उसके बाद भोजन करूंगा। अरे ऐसे क्यों घबरा करके गिर गई? जय श्री राम जय श्री राम। रोती क्या? नहीं बाबा। जय श्री राम। मेरे देवर क्या बिगाड़ा है आपका? मुझसे साथ करवार के मेरे साथ छलबाजी कर रहे। नहीं छलबाजी नहीं कर रहा, चलो बहुत विलंब हो रहा है जल्द करो। बिगारी तलका